अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा। एंड इसके लिए जो है वो हमने 750 ग्राम यहाँ पे हमने चने की दाल ली थी। एंड उसको जो है वो हमने 7 से 8 घंटे तक सॉक करके रखा है। एंड बिल्कुल जो है वो इसका पानी भी हमने रिमूव कर दिया है। एंड इसको हम डालेंगे एक पतीले में। एंड यहाँ पे जो है वो हम इसमें 4 ग्लास ऑफ वाटर डाल रहे हैं। एंड जब तक इसमें बिल्कुल अच्छे से पानी ख़त्म नहीं हो जाता और दाल नहीं गल जाती, तब तक हम इसको कुक करेंगे। सो बस देखें, इसका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल दाल भी गल चुकी है। एंड यहाँ पे जो है वो हमने इसको जो है वो ठंडा कर लिया था। अब जो है वह हम इसको सिल पे पीस देंगे बिल्कुल अच्छे से। आप चाहें तो आप इसको मशीन में भी पीस सकते हैं। सो व्यूअर्स देखें, इस तरीके से हमने दाल पीसी है। एंड ये वाली जो दाल है बिल्कुल पूरी, ये भी हम इसी तरीके से सारी पीस लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स देखें, जो दाल है वो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पीस ली है। तो यहाँ पे लिए है हमने एक कढ़ाई, जिसमें हम 1 कप जो है वो घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप घी भी ऐड कर लिया है। एंड इसको जो है वो थोड़ा गर्म होने देंगे। एंड अब जो है हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 पिंच। एंड अब जो दाल हमने बिल्कुल अच्छे से पीस ली थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से जो है वो हमने इसको मिक्स करना है। इसको जो है वो हम 1/2 आवर के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। एंड इसको जो है वो बिल्कुल हिलाते जाना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है। सो व्यूअर्स देखिए, इसमें जो है वो ऑयल भी आ रहा है। एंड अब जो है वो हमने इसमें शुगर ऐड की है 500 ग्राम्स। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड यहाँ पे जो है वह हम इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं 400 ml। बिल्कुल अच्छे से जो है वह हमें इसको मिक्स कर देना है।
एंड ये जो है वो शिवरात का स्पेशल हलवा है। बिल्कुल अच्छे से आप हिलाते रहिएगा। सीवर्स यहाँ पे जो है वो हमने एक ट्रे ली थी एंड इसको जो है वो हमने ऑयल से भी ग्रीस कर लिया था एंड अब जो हलवा जो है वो रेडी हो गया था तो इसको हम निकाल लेंगे इस ट्रे पे। बिल्कुल अच्छे से जो है वो हम इसको फैला देंगे। बिल्कुल अच्छे से जो है हमने इसको फैला दिया है। एंड यहाँ पे जो है वो हमने आलमंड एंड पिस्ते जो कट करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब जो है वह हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे एंड इसके ऊपर जो है वह हम चांदी का वर्क भी लगा देंगे। अब जो है वह हम इसकी कटिंग भी कर रहे हैं।
गाइस देखें, इसकी कटिंग जो है वह हमने कर ली थी एंड इसको हम जो एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी एंड अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।